हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, डीएसएसबी की तरफ से कुछ अपडेट आई हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद केवीएस की आज कट ऑफ आई है। जिन साथियों का इंटरव्यू है तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, और इंटरव्यू के लिए भी मैं आपको कुछ चीज़ें जल्दी बताने वाला हूं। इसके बाद साथियों, जो डीएसएसबी की तरफ से नोटिस आया है वो आप एक बार देख सकते हैं, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो 24/1/2019 का नोटिस है। पीजीटी जो टीचर्स हैं उनका इकोनॉमिक्स का ये रिजल्ट है। तो साथियों, काफ़ी टाइम के बाद एक रिजल्ट डीएसएसबी ने अपडेट किया है। हालांकि जो ये रिजल्ट है, एक ही कैंडिडेट्स का ये रिजल्ट है। जो डीएसएसबी रिजल्ट दे रहा था काफ़ी टाइम से, वो बंद सा हो गया है। हालांकि आज ये अपडेट देख के थोड़ा अच्छा भी लगा कि डीएसएसबी थोड़ा तो काम कर रहा है। तो ये क्या रिजल्ट है आप देख सकते हैं। अभी इसमें आप देख सकते हैं, नीलम मलिक जी हैं, उनका केस चल रहा था डीएसएसबी के खिलाफ। तो इसका पोस्ट कोड है 131/2012। तो नीलम मलिक जी का केस चल रहा था डीएसएसबी के खिलाफ। तो अभी आप फोर्थ पॉइंट में देख सकते हैं, मैं सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूं। अब इनकी जो कैटेगरी है, ओबीसी से यूआर कैटेगरी में इनको शिफ्ट कर दिया गया है, और इनका रोल नंबर वगैरह आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये आज डीएसएसबी का नोटिस है। एक उम्मीद ये है कि आने वाले एक दो दिन में डीएसएसबी अपना जो रवैया है वो बदलेगा। जो डीएसएसबी का ढुलमुल रवैया है उसे जरूर बदलेगा। तो साथियों, देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।